और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों प्रदेश के जिलों के दौरे कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को कई योजनाओं की सौगात भी देते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धौलपुर पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। साथ ही अशोक गहलोत ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार जनता की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। हमने 5 बजट पेश किए जिसमें महंगाई से जनता को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स जनता पर नहीं थोपा है। अभी तक जितनी सभाएं हुई है राजस्थान के अंदर महंगाई राहत शिविर को लेकर के, उसमें सबसे बड़ी सभा का खिताब मिलता है तो बाड़ी की सभा को मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और बाड़ी के आपके लोकप्रिय विधायक गिरिराज मलिंगा, जिनको आपका प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है और आपका विश्वास है। इस कारण से ये संभव होता है कि इतनी बड़ी सभा करना बहुत कम समय के अंदर। इतने में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मेरा आशीर्वाद तो ही है इनको, पर इनके मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ। जम के काम करते हैं और मैंने इनको कह रखा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी ढंग से काम किया और ये संतोषी प्राणी भी है, इसने कहा था काम बहुत हुए मेरे, फिर भी अगर हो जाए तो सड़कें बन जाए, स्कूल खुल जाए जो बंद पड़ी है, तो ये तो मांग चलती रहेगी। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस प्रकार से जनहित के कार्यों को करने में हमेशा भूमिका अदा करूं। बहुत सारे 5 बजट पेश किए हमने, 5 में कोई टैक्स नहीं लगाया मैंने, हमेशा ध्यान रखा। महंगाई का दौर चल रहा है, बेरोजगारी ऊपरते हैं, घर घर में लोग परेशान हैं, नौजवान नौकरी मिल नहीं पा रही है, समस्याएं चारों ओर है, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। हमने एक एक करके जल जीवन मिशन लागू किया है, 45% पैसा केंद्र देता है और 55% पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी। हर घर में नल पहुंचने का काम भी होगा। चंबल का पानी पहले पहुंचे वो प्रयास लगातार भरतपुर तक के लिए जारी है। काली तीरी योजना बनी है, उसका लाभ आपके बछेड़ी को भी, बाड़ी को भी मिलेगा। तो जो संभव था वो सब विकास के काम करने में हम लोगों ने भूमिका अदा करी और इसीलिए राजस्थान में आज हम लोग पूरे देश के अंदर राजस्थान चर्चा के अंदर है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। ये 25 लाख का बीमा जो है ये देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आपको फ्री इलाज मिल रहा हो, पूरा ऑपरेशन, आपकी जांचें फ्री हो, सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री। और ऊपर से कानून पास कर दिया है, आपको मालूम है राइट टू हेल्थ, ये कानून जो है इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने हिम्मत दिखाई है जिसने कानून पास करके अधिकार दिया पब्लिक को। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अधिकार दिया था, सोनिया गांधी जी ने अधिकार दिया, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और वहाँ नरेगा, ये इसी तरह एक कानून राजस्थान सरकार ने पास